बनाए गए हैं कि बहुत सारे जजमान भी एकत्रित हो गए हैं और वो 100 कुंडों में समाहित नहीं हो पा रहे थे और इतने ज़्यादा जजमान हो गए हैं कि ये 1008 कुंड में भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो श्रद्धालु जनता है वो यहाँ श्री अवध में 22 तारीख श्री राम लला जी साक्षात विराजमान होने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और प्रेम लेकर के यहाँ श्री अवध में पधार रहे हैं। तो ये 1008 कुंड जो हमारे जगत गुरु जी महाराज जी का सत्य संकल्प है, ये श्री हनुमान महायज्ञ का यहाँ पर और पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसके लिए महाराज जी ने सत्य संकल्प लिया है कि वो अखंड भारत हमारा बने और वो हमारे भारत में शामिल हो। तो ये हमारे गुरुदेव का ऐसा जो सत्य संकल्प है, आज तक उन्होंने जितने भी संकल्प लिए हैं वो सारे निर्विघ्नता से संपन्न हुए हैं और ये भी पूरा संपन्न होने वाला है इस यज्ञ के बाद। बिल्कुल, प्रमाण हम देख रहे हैं 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। आपने बताया 1008 यहाँ पर यज्ञ होने जा रहे हैं, किस तरह से यज्ञ होंगे? 14 तारीख को गुरुदेव का जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव भी है, 75वां जन्म दिवस उनका आ रहा है, तो क्या ये यज्ञ 14 से ही शुरू होने जा रहा है? किस तरह से ये यज्ञ होगा और 1008 जो यज्ञ है क्या इसमें अलग अलग तरह के यज्ञ होने वाले हैं, क्या विधि रहेगी? हाँ, ये नहीं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। श्री हनुमान जी के नाम मंत्र उच्चारण के द्वारा ये यज्ञ की आहुतियाँ दी जाएंगी, इसमें 125 आहुतियाँ पड़नी है और इस तरह से हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा ही, श्री हनुमान जी श्री अवध के राजा हैं इसलिए उनके उनके निमित्त जो है यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है कि श्री राम लला जो है बालक रूप में हैं तो हनुमान जी उनका पूरा देखभाल करते हैं। और ये जो 1008 कुंड हैं इनमें एक ही मंत्रों के द्वारा जो है इस तरह से आहुतियाँ पड़ेंगी और बड़े विद्वान हर जगह जगह से भारत के कोने कोने से पधार रहे हैं और मंत्रोच्चारण के द्वारा आज कलश पूजन हो गया है आज और कल जो है दशविधि दान है और इस तरह से ब्राह्मण वर्ण भी है और संकल्प लेकर के कल का जो कार्य है कल शुरू हो जाएगा और सभी जजमान भी पधार रहे हैं और कल पूजन जैसे शुरू होगा तो एक साथ जो है पूजन शुरू होकर के सभी लोग हवन कुंड में बैठेंगे और आहुतियाँ शुरू हो जाएंगी। जी महाराज, ये कहा जाता है कि जो 7 चिरंजीवी हैं हमारे धर्म के अनुसार, उन 7 चिरंजीवियों में से भगवान हनुमान एक हैं और हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर वास करते हैं और प्रभु श्री राम का इंतजार भी करते हैं। कहा गया है कलयुग में भी कल्कि अवतार में आने वाले हैं, भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है क्या इसका कोई संबंध 22 तारीख से भी है कि एक तरफ भगवान राम की जो मंदिर बन रहा है भव्य मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी है तो हनुमान जी भी साथ रहेंगे और एक बार फिर ये जो काज होने जा रहा है ये निर्विघ्न तरीके से हो? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बोला कि श्री रामलला जी साक्षात जब आज 500 वर्षों के बाद, वैसे तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो इस तरह से भाग्यशाली हैं हम लोग सारे, जो ऐसा मौका हम लोगों को मिल रहा है अपने जीवन में, 500 वर्ष बीत गए और उसके बाद आज ऐसा मौका मिल रहा है। हनुमान जी वास्तव में इंतजार कर ही रहे थे कि कब श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हों, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग वास्तव में बड़ा खुशी का विषय है और वाणी में तो वास्तव में इतनी ताकत नहीं है कि खुशी व्यक्त कर सकें, अनुभव का विषय है। वास्तव में बड़े चित्त प्रसन्न है, मन खुश है और इस तरह से यज्ञ जैसे जगत गुरु जी ने जैसे संकल्प लिया है और यज्ञ के माध्यम से भी हम लोग सारे प्रभु श्री राम जी के साथ जुड़े और श्री हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं और ये कार्य जल्दी जल्दी निर्विघ्नता से संपन्न हो। 22 को इसकी पूर्णाहुति भी है, श्री माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी यज्ञ में पधार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर विराजमान होंगे और पूर्णाहुति होगी तो वास्तव में ये इस तरह का कार्य जो है वास्तव में बड़ा अपने में अद्वितीय है। जय श्री राम।